नंबर सिस्टम ठीक है, तो उसका नंबर 1.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको हम इसको इंटरेस्ट तरीके से आप इंटरेस्ट और इस पर क्या नंबर क्या होना के चाहिए? जीरो एक ऐसा नंबर है, कैसे? क्योंकि हम उसको फीडबैक फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? जैसे 0.1, 0.2, 0.3। अब इसके लिए हम जो ये भी है जीरो कितना होता है, क्योंकि इंटीजर में जीरो भी आता है, और ये भी होता है जीरो आता है इंटीजर में। तो बी जो है हमारा सिर्फ इंटीजर है, तो बी हमारा सिर्फ पेपर नहीं है, तो हम क्या नंबर होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अब उसके पास नंबर होते हैं, जिन्हें हम पी बाई टू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2/3, 5/4, 3/2 एंड एक्सेट्रा, वो सारे ठीक है, सीधे हम पी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर। तो हमें 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर देखते हैं, कितने लिखते हैं? 6। बट 3 के बाद तो कोई संख्या है ही नहीं, इसमें तो सीधा 4 देते हो, बट रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 6। 6 लिखने तो हम 7 से इसको मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है? 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 21/7, 28/7। तो 21 और 28, तो इन दोनों के बीच में तो हमें 21, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गई। बहुत इजी था, आया था।
सिक्स बनाने अगर सिक्स होए तो सिक्स का वैल्यू नाइन से होने पड़ेगा, मतलब जितने पूछे हैं उससे एक्स्ट्रा। ठीक तो अब इसमें हमें फाइव ऐसा नंबर बताने, बिंदी थ्री बाय फाइव एंड फोर एट फोर बाय फाइव ठीक क्वेश्चन नंबर। ठीक इसमें कैसे बताएंगे, इसमें कितने ऐसे नंबर पूछे हैं, फाइव ऐसे नंबर पूछे सिक्स, तो थ्री बाय फाइव और फाइव पूछे हैं तो सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, से मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18 अपॉन 5 इसको ये आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड के बीच में नंबर आएंगे कितने, 90 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 फाइव हो गए, ऐसा मतलब निकल गया। अब पेपर में एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, अगर ये 5 था, 4/5 था, अगर ये 5 ना होते, ये 3 होते तो क्या करते आप, अगर इनके नीचे भी बिना सेम होते तो क्या करते आप, अगर इनके बिना नीचे का तो सेम करते आप, ये जब भी कर सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर का तो सेम ना, बट इधर तो इधर हमने अलग कर दिया, क्या करना, पहले उसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, जो एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर है 3 उसको यहां से, तो इसका जो नंबर है 5 तो यहां से 20 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब जो तो करते थे जितने कुछ और ऐसे नंबर से एक बड़ा सा अगर मल्टीप्लाई हो गया है तो इससे हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा काम है, तो उसका फर्स्ट पार्ट है नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हो सकते हैं, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर के नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे इंफिनिटर चलते हैं, ये बोलते हैं ना होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरी नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर आ रहे हैं, हां बिल्कुल आ रहे हैं, बस जीरो नहीं आ रहा, बट हमें इससे मतलब है कि ये वाले थोड़ा, तो ये क्या हो गया कंडीशन, ठीक है। और सेकंड नहीं एक्चुअली इज द होल नंबर, क्या सारी इंटीजर होल नंबर हो सकती है, होल नंबर ये लिखा हुआ है, जीरो होता है प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर ऐसे चलते, तो इंटीजर ये होगा, तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फोर क्योंकि होल नंबर में पॉजिटिव वाले हैं, नेगेटिव वाला तो एक भी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो फॉल्स
इनपुट एडी रेशन नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी रेशन नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? नहीं, रेशन नंबर क्या होता है? सो पी वाई पी फॉर्म में छोटे, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था जो पी वाई पी की फॉर्म में होता है, ठीक है? पर इसमें तो जो होल नंबर है हमारा 5 तक जाते हैं, इसमें तो कोई अकाउंट पी वाई पी में आएगी, तो ये कंडीशन क्या है हमारा? मैम थोड़ा तेज बोल दो। समझ आ रही है? वन पॉइंट पर हमारी रेंज है काफी, अब हम चलते हैं ना वन पॉइंट टू पर। तो क्वेश्चन नंबर बाद नंबर रखना है एक वो पोज में था वो चेसी का है करना क्या है पास एवरी रेशन नंबर इज अ रियल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स? इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ये रियल ठीक है। रेशन नंबर हमें पता है क्या होता है जो पी वाई फॉर्म में होता है, रेशन नंबर क्या होता है जो पी वाई पी फॉर्म में नहीं होते? और जैसे हम यूज ना करो तो अंडर रूट 2 फॉर्म में होता है, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, मतलब स्केल एंड द रिस्क ऑफ द बैक एंड का मतलब हुआ है पाई, तो राइट में पाई अभी इंफिनिटी चलता रहता है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये चलता रहेगा कभी इसकी वैल्यू वही है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये चलता ही रहेगा ना। मतलब वो भी ऐसे होता है कि अगर हम डिवाइड के पास बैठ गए हैं तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है? जिनकी वैल्यू हमें नहीं दिखा सकते, जैसे कि हम लोग को डिवाइड करें, जैसे 3 बाय 2, उसको अगर हम डिवाइड करें तो वन से टू वन बचा वही वाई, ये डिवाइड हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ऐसे हम बड़े ऐसे बहुत है जो डिवाइड हो जाते हैं, तो बाकी डिवाइड क्वेश्चन में क्या पूछता है? एवरी रिएक्शन नंबर ऐसा लिया रियल रियल नंबर वो होते हैं सही जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, मतलब ये भी एक रियल नंबर है, और जो मैंने अभी इधर एग्जांपल दिखा था वो भी एक रियल नंबर है जिसके अंदर रैशनल और इरेशनल ठीक है। तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रियल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो ये क्योंकि रियल नंबर के अंदर दोनों आते हैं, तो इरेशनल नंबर को भी तो ये क्या ठीक है। तो सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एन देयर एन इज अ नेचुरल एन कैन इसका मतलब अंडर रूट इसका मतलब अंडर रूट वन अंडर रूट टू नेचुरल नंबर ये होता है,
ठीक है, तो बोला है 30.1 नंबर 9 होता इसको हम नंबर नंबर ठीक नंबर 9 का ये होता है ठीक है, कोई भी नंबर 9 का नहीं होता ठीक है। पास तो बोलता नंबर दोनों कैसे रियल नंबर रैशनल और ठीक है, रैशनल नंबर भी आते हैं क्या समझ में। तो ठीक अभी तक हमसे दो भी क्वेश्चन किए थे वो सारे इम्पोर्टेंट तो नहीं थे, एक बार ऐसे था वो, बट जो क्वेश्चन होएगा वो पेपर में जरूर जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर तो ठीक है, बिल्डिंग कैसे करते हैं इससे अंडर रूट 5 को करने से पहले नंबर 5 करेंगे नंबर नंबर 2 करेंगे और नंबर 2 का कैसे परसेंट करेगा नंबर है इसमें। ये पहले हमने ये देखा और प्राइम का ठीक है, ये क्या होता है 93 के रैंडम बनाया गया ठीक है। इसमें एक ये वाला तो होता है हाइपरटेन्यूस होता है, ये फिर पैंडिकुलर होता है ठीक है। इसमें हमें जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा वन मानते हैं, क्या मानते हैं वन वन, हमेशा क्या मानते हैं वन वन मानते हैं ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसे परपेंडिकुलर इसे बेस आंसर ठीक है। एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, अगर मैं यहां इसके अंदर लगा के इधर कर ठीक है, बी का स्क्वायर बी हमें नहीं पता, बी हमें पता है हमने वन लिया ये ऑलरेडी हमें वन ही रखना है। अगर इधर बी की वैल्यू हम क्या रखें कि वो अंडर रूट 4 बन जाए, क्या रखें बताओ। 4 1 1 का स्क्वायर ठीक है, तो वो अंडर रूट 2 बन जाएगा, 1 का 1 अंडर रूट 2 तो है तो है तो कोई नहीं समझ पा रही अंडर रूट 2 आ हमें ये भी हम बंद कर देंगे ठीक है। फिर हमने वो क्या करेंगे फिर टू आए तो बंद कर देंगे ये आपको प्रॉपरली बनाना है स्केल और बी की हेल्प से, मैं आपको एक सब्जी बनाकर दिखाऊंगा। माइनस वन ठीक है, पहले हम देखेंगे बेस, बेस क्या हमारा वन है तो यहाँ से लेते हैं यहाँ तक ये रहा हमारा वन ठीक है। अब इस वन पर हमें 90 डिग्री का क्या बनाना है एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो
अपनी बनाने का ठीक है। ये आप देखिए ओके इसकी नहीं नहीं होगा ये आप दूसरा क्या होगा तो पहले बन तो यहां से हमें जेल से बन फिर उसको इन दोनों को लेके सरकार की हेल्प से दोनों को मार करके यहाँ पे आग लगाऊंगा ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो 90 डिग्री की लाइट होगी। फिर इन दोनों का वो लेकर ए और सी का डिस्टेंस लेकर हमें यहाँ पे ऐसे करके करके यहाँ पे लगाऊंगा। जहाँ पर ये पॉइंट आएगा उस पॉइंट का नाम है डी। ठीक है तो ऐसा रिप्रेजेंट करना है। आप क्वेश्चन देखो कि मैंने पहले क्या किया क्या किया सीरियस मार्किंग बैठेगा वो ऐसे ही छुटाएगा अभी ये प्रॉपर्टी नहीं कमी है ठीक है। आई डोंट नो समझ में जैसे में ठीक टैलेंट प्राइम और करी नहीं होगा पता अब डी को मैं क्या रखूं टेस्ट को कि हाइड्रोजन मेरा अंडर क्या इसमें सोचो और बताओ देखो ठीक है। हमें अंडर रूट क्यों करना पड़ेगा अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे ओके दो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाता है ठीक है। अंडर रूट स्क्वायर तो इधर हम क्या लिखेंगे सीधा तुम लिख देंगे ठीक है। और बंद होकर ये क्या बन गया अंडर रूट ठीक तो फिर इधर क्या हो गया बहुत बड़ी अंडर रूट ये लिया था बताओ आपको ठीक है। अंदर तो ठीक है ये क्या था हमारा अब जो है इस लाइन पर यहाँ पर अक्षर डी आपको क्या करना है फिर 90 डिग्री को ऐसा करना 90 डिग्री अंडर रूट 2 फेस हमारा बन गया फेस ये अब पेंडुलम को बना रहे हैं ये तो 90 डिग्री का क्या बना रहे हैं वो पेंडुलम तो बन का वो बनाएंगे डॉट फिर इसको 0 से मिला देंगे मिला देंगे तो ये जो है इसको ठीक है। ए और बी पर आ सकते हैं यहाँ पे आ सकते हैं ए और बी ठीक है। इसके बाद ए और सी को यहाँ पे ऐसे करके डॉट 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 यहाँ पे ऐसे करके डॉट 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 मिला यहाँ ठीक है। ये भी क्या होगा मतलब ये जो पॉइंट है ये सी वो क्या होगा हेडू तो ये कुछ इस तरह के तो बनेगा ये हो जाएगा ठीक है। समझ आया सेम काम
आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एनिमल फाइबर पीएम पीएम हमेशा बात करना है स्क्वायर। ठीक है आपको पाइप आ गया और इसको हम नंबर लाइन पर करके ठीक ठीक है। ये क्या किया था हमने तू क्या तू ले लिया ठीक है ले लिया उससे क्या करूँ मैं 90 डिग्री का एंगल बनाना है ठीक यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है लाइन एकदम सीधी आ रही है डीएफ का पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर चलिए पर सीरीज को 0 से ठीक है यहाँ पर रखकर सेम वही मैटर यहाँ पर रखकर ऐसे के आठ लगाने यहाँ पर ठीक है थोड़ा नंबर है ग्रह से ठीक है ये तो थ्री और फोर के रीजन है चाहिए ठीक है थ्री और फोर के रीजन यहाँ पे रख लो यहाँ पे फाइव ठीक है आप मेरे को बना कर दिखाना आप ही हो इसी साइड नेटवर्क 5% तो हम लोग अगर समझ में नहीं आया तो कुछ और बोलो सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारी 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।